गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सम फंक्शन ग्रुप एंड फर्स्ट वन इज एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ऑफ एच और सी एच, सो दिस इज एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप एंड आर इज एन substitution, that is C, and in general formula CnH2n+1 R stand for this one. Throughout the discussion हम यही लिख रहे हैं alkyl, but this series is exceptional one. In this case the series start from n is equal to 0, n is equal to 0 से start होगा. तो ये ध्यान में रखेंगे जो भी homologous series n इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होती हो, जो भी होमोलोगस सीरीज जीरो से स्टार्ट होती हो, कॉमन सिस्टम में एक सीक्वेंस लर्न करेंगे फॉर एसिक प्रोपियन एंड फर्दर ब्यूटाइल एंड सो. जो भी होमोलोगस सीरीज n इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होती है. आई के में क्या करना है, अल्केन का ई डिलीट करके अल लगाना है. इसीलिए अगर जब अल्कोहल था ओएल, तो अल्कोहल के लिए आपने ओ के ऊपर से एस्टर पे ले गया ताकि कोई उस केस में ए ना पढ़ सके, और यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली ए पता होना चाहिए. दो फॉर्म अल्कोहल में ओएल और एल्डिहाइड में एल, लेकिन फंक्शन ग्रुप एकदम चेंज हो जाता है, इस वजह से बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. When n is 0, this is 0. 2 into 0, 0, 0 plus 1, 1. Then there is only one hydrogen. Carbon to 0 ho gaya. Isme sirf one hydrogen. So this is one hydrogen. Next is function groups CHO or HC double bond H. 1, 2, 3, 4, complete. Function group kya hai? Aldehyde. तो फॉर्म क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड है एंड इसका टू जीरो है, मैंने बोला है सीक्वेंस का लर्न होना चाहिए और ऐसे प्रोटॉन जो भी होमर होगा सीरीज एंड इसका टू जीरो से स्टार्ट होती है. फॉर्म आगे एल्डिहाइड, फॉर एल्डिहाइड नाम बन गया. बट इट्स ट्रेड नेम इज फॉर्मेलिन. फॉर्मेलिन इज द ट्रेड नेम मीन्स विच इज दिस इज अवेलेबल इन मार्केट इन द नेम ऑफ फॉर्मेलिन which 40% aqueous formaldehyde solution. Formalin is 40% aqueous formaldehyde solution which is used to preserve dead specimens in the laboratory. Biolab के अंदर बहुत सारे ऐसे insects वगैरह हैं, छोटे छोटे animals भी हैं जिनको preserve किया हुआ है. वो water नहीं है, colorless solution. वो क्या है, formalin solution है. अदरवाइज तो बहुत बैड स्मेल उठता, बैड स्पेसिमेन अंडरगो डिके एंड गिव बैड स्मेल, वो नहीं हुआ. दिस फॉर्मेल्डिहाइड इज आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकलाइट, ब्लैक कलर का प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक जो सा बेकलाइट हुआ. दिस इज आल्सो यूज्ड बाय द पोल्ट्री फॉर्म्स टू सप्रेस द बैड स्मेल, क्योंकि मुर्गियाँ वगैरह हैं वो आगे पीछे घूमेंगी, उनकी वेस्ट गिरेगी और वेस्ट से क्या होगा, बैड स्मेल हो जाएगी. उस स्मेल को सप्रेस करने के लिए फॉर्मेलिन सॉल्यूशन स्प्रे करते हैं, मशरूम कल्टीवेशन के अंदर करते हैं, वहाँ पर वाइट बटन जिसे हम बोलते हैं उसके कल्टीवेशन के अंदर भी फॉर्मेलिन सॉल्यूशन यूज होते हैं. आई पी एस में क्या करना है, अल्केन का ईट लीड करके अल लगाना है. How many carbons are there? One carbon में मिथ एल पल कार्बन कार्बन से यहाँ पे से एट इस वन तो दिस कम सी एच थ्री वन टू टू वन टू टू प्लस वन सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच ओ. जहाँ हम क्या करते हैं नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करने के लिए सी एच टू एड कर देते हैं, वही किया. ये बन गया तो क्या बनेगा, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड.
एन आई पी सिस्टम क्या बन जाएगा, इथेनॉल, इथ टू कार्बन, एक कार्बन का बस सिंगल बॉन्ड और एल्डिहाइड, एक और सी एस टू ऐड कर दिया, वन कार्बन टू हाइड्रो तो सी टू एच फाइव बन गया, इसलिए हमने ओपन करके लिखा वन टू थ्री, तो एल्डिहाइड में ड्रॉ करके बाकी वाले से किससे पूरी की हाइड्रोजन से, तो क्या बन गया प्रोपियोनोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। वन अबाउट आई पी एस नेम, आई पी एस नेम बिकम्स प्रोपेनॉल, वन टू थ्री। सपोज यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेनॉल, अगर आपको हेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो एल्डिहाइड लिखें, हल है अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे ही टू मिथाइल ब्यूटेनॉल, टू मिथाइल ब्यूटेनॉल, अल है बता दिया, वर्ड रूप क्या है ब्यूट, मिथ इथ प्रो ब्यूट, वन टू टू पे क्या बना हुआ है मिथाइल, वन टू थ्री फोर, अब वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे तो ये बन गया तो मिथाइल ब्यूटेनॉल। इस ढंग से हम कर सकते हैं, कभी ये भी कर सकते हैं, दिस इज द फार्मूला ऑफ ए पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ द सीरीज, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड विद फाइव कार्बन्स, अभी कितने कार्बन है टू, तो फाइव कार्बन के लिए कितने कार्बन ओवर एड करने पड़ेंगे थ्री, ठीक है थ्री कार्बन ओवर एड करने होंगे, अगर थ्री कार्बन ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन कितने ऐड करेंगे सिक्स, तो सी फोर एच नाइन सी फोर एच, क्योंकि होमोलॉग में क्या करते हैं दे डिफर बाई सी एस टू और मल्टीपल ऑफ सी एस टू, फोर कार्बन का करना है अभी कितनी है टू, तो टू कार्बन और ऐड करनी है, तो टू कार्बन ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन कितने ऐड कर देंगे फोर, टू कार्बन ऐड करेंगे तो फोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी थ्री, सी थ्री और अब तो एच सेवन और आगे सी डबल एच, फार्मूला ठीक है सेम होमोलॉग के अंदर क्या करना है, अगर फार्मूला दे करके उसी होमोलॉग को बोलते हैं कितनी एडिशनल कार्बन चाहिए उतने कार्बन के साथ साथ उससे डबल हाइड्रोजन जोड़ देंगे हमें नेक्स्ट होमोलॉग मिल जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन आर सी डबल बॉन्ड आर एच, अभी तक एक ही सिरे पे फंक्शन होता था, अब क्या फंक्शन हो मिडल में आ रहा है, मिडल में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा है आर एस सी एन एच टू एन प्लस वन, आर एस सी एन एच टू एन डैश प्लस वन, एंड आर और मे और मे नॉट इक्वल टू आर एच, हो भी सकता है भी हो सकता है, एंड एन आर एन डैश इसमें तो जीरो ले लिया, इसमें जीरो नहीं लेना, क्यों एक भी अगर हम जीरो ले लिया तो उधर क्या आ जाएगा हमें पता है एच आ जाएगा, इधर एच आ गया तब भी एल्डिहाइड, इधर एच आ गया तब भी एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड एच हो जाएगा और दोनों तरफ कर दिया तो फिर तो ये कंपाउंड ही बन गया ये हमारा, इसमें कोई भी वैल्यू जीरो नहीं लेती है, तो ये फर्स्ट कंपाउंड जिसमें एन की वैल्यू दोनों तरफ वन लेती है सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री और सी एस थ्री डबल बॉन्ड सी एस थ्री, नो डाउट इसका नाम होना चाहिए देयर आर टू मिथाइल ग्रुप,
diethylketone, but it is very popular compound. It is known even in the class 9th. क्या है? एसीटोन. Evaporates very faster. It is used to remove the nail polish enamel. काफी यूज होता है. ये एग्जाम में पूछते हैं एप्लीकेशन. नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज यूज टू रिमूव द नेल पॉलिश एनामल. ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर. राइट आउट आईपीसी में. तो अल्केन का ये रेट करके वन लिखेंगे. तो 1, 2, 3. तो क्या होगा? प्रो सिंगल बोन है. ये आगे वो हैंडी बताना है. प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल बोलेंगे. अब मैंने क्या किया? इधर एन की वैल्यू चेंज कर दी. C2H5 सीडबल पावर CH3 जिसको मैंने इस ढंग से ओपन कर दिया. 2 कार्बन ब्लैंसी कंप्लीट किया. तो अब क्या हुआ? दिस इज इथाइल ग्रुप एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप. तो अल्फाबेटिकली इथाइल मिथाइल कीटोन. इथाइल मिथाइल कीटोन. बट इन आईपी सिस्टम ब्यूटेनो. After this position, no numbering is required, but after this, require some number. तो जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको structure draw करना है pentane 2. Word root क्या है? Pent. 1, 2, 3, 4, 5. Pent कर दिया. अब 1, 2, 3, 4, 5. Pent कर दिया. अब टू पे क्या है? ओनली कीटोन. और बाकी वैलेंसी हम किससे कंप्लीट करेंगे? हाइड्रोजन से. यहाँ का भी वन वैलेंसी सेटिस्फाइड है. रेस्ट इज 3 हाइड्रोजन. 1, 2, 3, 4. यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा. 1, 2. रेस्ट इज 2. यहाँ पे 2. यहाँ पे 3. यहाँ पे पोजीशन बताने जरूरी थी. क्यों? ये यहाँ पे भी हो सकता है. नाम चेंज हो जाएगा. पेंटेन 3 हो गया. ऐसे ही हेक्सेन 3 हो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. तो वर्ड रूट क्या है? हेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6. और थर्ड पोजीशन पे डबल लगाया. बाकी ब्लेंड से किससे पूरी थी? नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. फंक्शन आपको पता है हमसे. ये एल्डिहाइड के तरह ये सीरीज एम इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो जाएगी. दिस होमोलोगस सीरीज स्टार्ट फ्रॉम एम इज इक्वल टू 0 लाइक दैट. एंड व्हेन एम इज 0 वी विल गेट ओनली एच. और ये जस्ट एच सी डबल एच एस सी डबल एच. और क्या बोला था उस केस में? और पहला का फॉर्म होगा इसको फॉर एसिड प्रोप्योर. तो दिस इज फॉर आगे कैसे बना दिया फॉर्मिक एसिड. वो पड़ा हुआ है 9th 10th में दो जगह आ चुका है. बी स्टिंग करता है. तो क्या? तो स्टिंगिंग द्वारा क्या इंजेक्शन कर किसका इंजेक्शन देता है आपके बॉडी में? फॉर्मिक एसिड. इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो रिएक्टिव मेटल विच विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन विद एसिड वो यूज करते हैं, या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं जैसे पेट्रोल और डीजल हम यूज करते हैं, कोई अल्कली बेकिंग सोडा यूज करते हैं टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड. आईपीसी में क्या करने हैं? अल्केन का ई डिलीट करके कोई एसिड का. तो देयर इज ओनली वन कार्बन मीथेन. मीथेन का डिलीट किया. आगे क्या कर रहा है? कोई एक बहुत बड़ा नेचर चेक कर रहा है. अभी तक पूरा पूरा नाम कट्ठा लिखते थे लेकिन यहाँ पे एसिड वर्ड सेपरेट है. एसिड वर्ड सेपरेट है. नेक्स्ट CH3 CH2 ऐड कर दिया और एन इज इक्वल टू 1. CH3 से डबल 1 काफी पॉपुलर है 9th 10th में एसिटिक एसिड. And its dilute solution is
लोन बने वा विधेगा और मैं खूब यूज होता है सत्ते के लिए एंड इन सम फास्ट फूड्स टू रिमूव द स्केल व्हेन देयर इज ए ऑयल और एनी ऑर्गन दैट इज बर्नड इन द कंटेनर जब कोई सब्जी या दाल या कुछ चीज जल जाती है दूध में उसमें ब्लैक मास क्रस्ट बिल्कुल हार्ड हो जाता है तो क्या करेंगे पानी के अंदर ही थोड़ा विनेगर डाल के रख देंगे ओवरनाइट नेक्स्ट डे जल बन जाएगा तो उसको रिमूव कर देंगे डे क्लीनिंग में यूज होता है रात को विनेगर डाल देंगे सुबह हाई प्रेशर से पानी डालेंगे सारा ड्रेनेज क्लियर वही जो सा हार्ड मैटर था वो जल बन जाते हैं और जल जो उसे हार्ड पानी के प्रेशर से रिमूव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इथेनॉल वाई टू कार्बन सिंगापोन टू कार्बन से सिंगापोन है आगे कोई इस इथेनॉल किस then C2H5 जिसको हम कैसे लिखेंगे जब थ्री कार्बन डालेंगे उन्हें ऐसे पूरी कर दी 1, 2, 3 पहले फंक्शन ग्रुप कंप्लीट किया फिर उनके वाले ऐसे पूरे की प्रोटोन की फॉर्म जैसे प्रोटोन उधर प्रोटोन जैसे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं ये प्रोटोन है ये प्रोटीन है एन के बाद वो आ रहा है इसमें एन के पहले वो आ रहा है बहुत बड़ा अंतर है ये बच्चे आमतौर पर कहते हैं इससे नाम था नहीं यहाँ पे फिर एक स्ट्रक्चर एप्लीकेशन देख रहे हैं हम सोच 2-methylbutanoic एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल दिया गया तो वर्ड होते हैं ब्यूट तो मैंने क्या किया पहले 1, 2, 3, 4 कार्बन लगा ली फिर फंक्शन को कंप्लीट किया 1 तो इसके बाद 1, 2, 3, 4 तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया और अब बैलेंस की पूरी करते हैं यहाँ तो बैलेंस कंप्लीट है 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन 1 and 3 हाइड्रोजन इथेनॉइक एसिड टू कार्बन लगाई कोई कैसे है कार्बोक्सिलिक एसिड हम इसकी वजह से पूरी करते इस ढंग से हमने ये काम किया है बहुत कम फंक्शन ग्रुप रह गए जिसको करना बाकी है एक नेक्स्ट लेक्चर होगा नॉमेनक्लेचर का उसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टाइम अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे